पूरा मामला महाराजगंज जिले के कोरही थाना के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा परसौनी की है, जहां ग्राम सभा पिपरा परसौनी निवासी गोविंद रोनियार किराने की दुकान चलाते हैं। बीते रात चोरी ने उनकी दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी फोटो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरों बड़ी चालाकी से चोरी करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित द्वारा संबंधित थाने में लिखित तहरीर दी गई है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाला चोर ग्राम सभा पिपरा परसौनी का ही रहने वाला अफसर एसओ वाजिद अली ने इस घटना को अंजाम दिया है और उनकी दुकान में इसके पूर्व भी चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है और उनके द्वारा इनकी शिकायत थाने में लिखित रूप से दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा इसे संज्ञान में नहीं लिया गया, बल्कि पुलिस ने अपना पाला झाड़ते हुए उन्हीं को ही अपराधी बता दिया है। कहा है कि ये चोरी आपने ही करवाई होगी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद चोरों के हौसले सातवें आसमान पर बढ़ गई कि और उनके द्वारा पनह इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। बार बार चोरी की घटना होने के कारण लोगों द्वारा पुलिस के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर दिया गया है कि आखिर पुलिस द्वारा उचित क्यों नहीं किया जा रहा। महाराजगंज से संवाददाता आशीष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आपके यहाँ चोरी की घटना हुई है, उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? अब जानकारी यही देना चाहते हैं कि अब हमारे घर में चोरी हुआ है 2 से 2.5 हजार तक का। थाने पे क्या लिखित फरमान दिया गया है? अब लिखित यही दिया गया कि 2 से 2.5 हजार तक हमारा चोरी हुआ है। चोर का कोई पहचान हो पाया है? पहचान उसका हुआ है, अफसर नाम है उसका। कितने रुपयों की मतलब चोरी हुई है? 2 से 2.5 हजार तक का हुआ है चोरी। इससे पूर्व भी आपके यहाँ चोरी की घटना हुई थी, तो क्या थाने पे इसके जो FIR दिए थे आप, उसका पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई थी? नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई थी, कोई कार्रवाई नहीं किए थे। और ऊपर से वो सब कह रहे थे थाने वाले कि आप ही इसमें मतलब लगता शामिल हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, कौन कह रहा था ये? अब नाम हमको नहीं पता है सर, नाम नहीं जानते हैं।